एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं वो ये वही जो राम रची राखा। कुछ ऐसा ही इस वक्त भारत के साथ सीन बन रहा है। भारत ने अमेरिका चाइना को पछाड़ दिया है, सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे भी बन रहा है। IMF की रिपोर्ट ने चौंका दिया है चाइना को भी और अमेरिका को भी। पर इन सब के बीच में मंडे की सुबह और मंडे का दिन सबसे खराब रहा चाइना के लिए। चाइना के मार्केट से $55 बिलियन हवा हो गए और ये चाइना को सबसे पहला झटका लगा है। इसके बाद झटकों की शुरुआत हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सीन है तो वहीं UK के PM अपने ही लोगों को डरा रहे हैं ये कह के तैयार हो जाओ, बहुत कड़े फैसले लेने वाला हूँ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, यूके के PM स्टार्मर ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि मैं बहुत कड़े फैसले लेने वाला हूं और इकोनॉमी को बदलने के लिए ये फैसले हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पिछले 15 सालों में जो हुआ है उसने हमारी अर्थव्यवस्था में गंद मचा कर रखी हुई है और इस सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमें बढ़िया से काम करना होगा और थोड़े कड़े फैसले लेने होंगे। इन्होंने कहा ये हम सब की भलाई के लिए है, इसलिए हम सभी को मिलकर चलना होगा, एक होकर चलना होगा। पुरानी सरकारों ने हमारे माथे पर बहुत सारा कर्जा रख दिया है, बहुत सारी अर्थव्यवस्था की दिक्कतें रख दी है, उन सब को हमें दूर करके चलना होगा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने काम किया है उसकी वजह से दंगे हुए, उसकी वजह से हमारे देश में समस्याएं हुई हैं। अब चाहे बोलने को कुछ भी बोला जाए, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि इस वक्त दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है और ये सिर्फ UK की ही बात नहीं है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ग्लोबल GDP ग्रोथ बेसलाइन फोरकास्ट है 2022 से 2026 का। और यहाँ पर अगर हम यूरो जोन की बात करें तो सबसे छोटा ग्राफ आपको यूरो जोन का ही दिखेगा और यहाँ पर दुनिया की बात करें 3.0, डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें 4.2, एडवांस की बात करें 1.6, अमेरिका और चाइना की बात करें 2.3, 4.8 यूरो मॉनिटर का ये कहना है। UK, यूरोप ये वो देश हैं जो आर्थिक तौर पर मंदी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर IMF के द्वारा एक इकोनॉमिक आउटलुक फोरकास्ट निकाला गया है और इस फोरकास्ट में जिन देशों के नाम आए हैं वो देश चौंकाने वाले हैं। आपको बता दूं, यहाँ भारत ने यहाँ पर सबसे हैरान करने वाला काम किया है और भारत की जो ग्रोथ है ये ग्रोथ यहाँ पर बता रही है कि दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। आपको बता दूं, IMF के डेटा के अनुसार 2025 के लिए भारत का फोरकास्ट किया गया है 6.5% और इसके अनुसार कहा जा रहा है कि जहां भारत का ये है 6.5 तो चाइना का रहेगा 4.5 2025 में। भारत के बाद कौन आगे बढ़ने वाला है तेजी से, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 5.1% की रफ्तार से 2025 तक बढ़ने वाला है। तुर्की की बात कही गई, उसके बाद तुर्की आता है 2.7% के दर से 2025 में ये बढ़ेगा। रूस आता है 1.5%, पोलैंड आता है 3.5%, अमेरिका आता है 1.9%, साउथ कोरिया आता है 2.2%, स्पेन यहाँ पर 2.1, मेक्सिको 1.6। कुछ इस हिसाब किताब में दिख रहा है कि दुनिया यहाँ पर आगे बढ़ेगी। वहीं अगर इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की बात करें तो पहले नंबर पर आपको भारत दिख रहा है 6.7% के दर से। इस हिसाब किताब में भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है पूरी पोजीशन को हासिल करने का। एक ट्रेंड देखें 1980 से लेकर 2029 तक के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे एक समय था जब विकसित देशों ने खूब राज किया,
ये जो ब्लू वाली लाइन है, लेकिन आज की डेट में विकसित देश पीछे चले गए हैं और जो इमर्जिंग देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो ज़्यादा आगे आ रहे हैं। एडवांस आप देखेंगे 1.7, वर्ल्ड 3.2, तो इमर्जिंग मार्केट 4.2 के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पर भारत को अगर चाइना को क्रॉस करना है तो भारत को अपने अंदर में कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे। और वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है, अगर आप ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पोर्ट्स वगैरह ठीक करने होंगे, बंदरगाह, यातायात के साधन, उसे सबसे पहले मजबूत करना होगा। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत इन दिनों खास तौर पर अदानी ग्रुप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है दुनिया भर के बंदरगाहों के ऊपर, और ये साउथ चाइना से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक बहुत जगह ये पोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनका भी टारगेट वही है कि हमें यह हासिल करना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो हर तरह से खराब होता है, ऐसा ही चाइना के साथ हुआ है। ये जो शख्स देख रहे हैं, इस शख्स के एक दिन में अपनी बात की जाए तो $14 बिलियन का नुकसान हो गया है। एक समय चाइना के सबसे धनी शख्स ये हुआ करते थे, फोर्ब्स का आर्टिकल है, इनका पर्सनल नुकसान $14 बिलियन का हो गया है, जबकि कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो अलग हुआ है। $55 बिलियन मंडे को चाइना के मार्केट से एकदम से निकल गया। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, $55 बिलियन का निकलना एक बहुत बड़ा झटका है, और उस कंपनी का जो यूएस में 2018 से लिस्टिंग है, पीडीडी के ये मालिक हैं, चाइना की पीडीडी क्या करती है, तो चाइना की पीडीडी एक ई कॉमर्स कंपनी है। इन्होंने शुरुआती दौर पर बहुत बढ़िया मुनाफा कमाया, अलीबाबा को टक्कर दिया, टेमू जैसे वेबसाइट्स को लॉन्च किया, लेकिन अब इनके यहाँ अचानक से देखने को मिल रहा है कि इनकी खरीदारी हो रही है कम, इस ई कॉमर्स वेबसाइट का जो हानि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। $55 बिलियन मार्केट से निकल जाने का मतलब होता है चाइना के ऊपर अब धीरे धीरे विश्वास की कमी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये जो $55 बिलियन निकले हैं ना, एक तो चाइना की इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है, उस वजह से भी निकले हैं, दूसरा रियल इस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा कारण बना है। ये बात तो है ही, रियल इस्टेट सेक्टर कहने का अर्थ है कि वो चीज जिससे बैंक जुड़ी है, बैंक जिससे आम आदमी जुड़ा है, तो एक लगातार ताश के पत्तों की तरह सारी चीजों पर असर पड़ रहा है। अगर एक ढह रहा है तो धीरे धीरे सब पर असर पड़ रहा है। आपको बता दूं, चाइना के लिए सिर्फ ये एक समस्या नहीं है, ये सारी चीजें अगर लॉस हो रही है तो कंपनी में क्या होगा, छटनी होगा, निकाले जाएंगे लोगों को। और इसका असर कहाँ देखने को मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले से बेरोजगारी है ही, ये बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब कि चाइना के लिए चौथरफा समस्या। पर ऐसा नहीं है कि भारत के पास समस्या नहीं है, भारत भी अगर अपने देश में स्थिर तौर पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति को अगर बनाए रखता है तो भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है, और अगर नहीं बना सकता है, जैसे कि आसपास के देशों में हड़कंप मचा हुआ है, वैसा कुछ हड़कंप मचता है तो फिर भारत के लिए भी मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।